तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम सीड्स की हैंडलिंग या सीड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ जो है अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, चलिए शुरू करते हैं कुछ क्लास आपकी कुछ सेकेंड्स में। तो यूट्यूब पे जो हमारी इस वीडियो को देखने जा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस यूट्यूब वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, आपको जब तक पूरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। साथ में इसकी पूरी सीक्वेंस वीडियो चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और साथ में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जहाँ से मुझे बातचीत भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुई किसी तरह का। था चलिए शुरू करते हैं। तब से एक चीज़ हम बात कर रहे हैं एक्सेल की वीवीए प्रोग्रामिंग की, और जैसे कि मैंने बताया था कि वीवीए में मेनली चार ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला था एप्लीकेशन, जिसमें जिसको मैंने फिलहाल इग्नोर कर रखे हैं। दूसरा था हमारा सीट्स वर्कबुक, तीसरा है शीट्स और चौथा है रेंज। हमने वर्कबुक के बारे में डिस्कस किया, उस पर हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया। अब जो आता है, अब वो आ रहा है हमारा सीट्स के बारे में। तो चलिए शीट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके जी सर। तो सबसे पहले जानते हैं सीट की कॉलिंग नेम। देखिए क्या होता है कि जितने भी सीट आप इंसर्ट करेंगे उन सब का लिस्ट यहाँ पे आएगा, आ रहा है, सबका लिस्ट आएगा। और आप देख रहे होंगे कि नाम जो है दो है आपका, एक सीट वन इन द ब्रैकेट सीट वन। तो सीट वन जो ब्रैकेट से बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी नेम, जिसको हम प्रॉपर्टी में जाके उस क्लिक करके प्रॉपर्टी वाल में जाके हम चेंज कर सकते हैं। और जो ब्रैकेट में उसको बोलते हैं कैप्शन नेम, उसको चेंज करने के लिए आपको एक्सेल फाइल पे जाके यहां चेंज करेंगे। जैसे मैंने डेटा कर दिया तो ब्रैकेट में अब डेटा हो जाएगा, या सिंपल कहिए कि यहाँ जो जो ब्रैकेट में है और बाहर दिखने वाला सीट के नेम है जिसको कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है, और जो ब्रैकेट से पहले है वो उसको सिर्फ प्रोग्रामर ही एक्सेस कर सकता है। ओके तो सीट को कॉल कैसे करें, सबसे पहले सीट की कॉलिंग मेथड समझते हैं। हमने आपको बताया था कि हम वर्कबुक को वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक से कॉल करते हैं, राइट। हमने बताया था ना आपको कि हम वर्क बुक्स एंड एक्टिव वर्क बुक्स से कॉल करते हैं, राइट जी सर। तो इसी तरह शीट्स में होता है। शीट्स के लिए हम लिखते हैं शीट्स, पहला होता है कि आप यहाँ इसका कैप्शन नेम दें डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट या जो भी करना है, आगे कट कॉपी पेस्ट जो भी करना है, ठीक है ना। डॉट के बाद तो आपके काम के अकॉर्डिंग को नाम आता है, चीजें आती है। दूसरा होता है आपके सीट वन डॉट सेलेक्ट, जो कि प्रॉपर्टी नेम होता है इसका, प्रॉपर्टी नेम, राइट। और तीसरा जो होता है वो होता है शीट्स, और इसके अंदर में सीक्वेंस नंबर, जैसे मुझे पहले पर चाहिए या दूसरे पर चाहिए। तो इससे सीट टू लिखा हुआ इसमें मतलब नहीं है, मतलब ये दूसरे पोजीशन पे है, इसलिए हम यहाँ पे टू कर देंगे और डॉट सेलेक्ट। ओके ओके ठीक है, क्लियर है। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो हेलो, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास के बाद थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। दस मिनट सॉरी सर, नहीं सर कोई बात। ओके तो यहां पे कैप्शन, और तीसरा चौथा जो है आप जानते ही हैं हमारा एक्टिव शीट। तो हमारे पास बेसिकली चार जो है मेन है। हम सीट नेम के कॉल, सीट का जो कैप्शन नेम है उससे हम सीट को कॉल कर सकते हैं, सीट की जो प्रॉपर्टी नेम है प्रॉपर्टी नेम से कॉल कर सकते हैं, क्या ये जो प्रॉपर्टी नेम होता है हम इससे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम सीट का पोजीशंस, जो पोजीशन होते हैं पहला वन एंड टू, इस तरह से पोजीशन होते हैं, वो पोजीशन से कॉल कर सकते हैं। और जो लास्ट का है वो है चौथा आपका क्या है, एक्टिव शीट। तो जानते ही एक्टिव शीट जो एक्टिवेट है उससे हम कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कब जरूरत पड़ेगी। देखिए आपका अगर सीट
सीट आपका फिक्स है कि डेटा शीट है, तो बस ये चेंज होगा कि जनवरी, मान लीजिए जनवरी था तो इस महीने जनवरी है, तो आपने यहाँ पे डेटा के जगह पे जैन कर दिया, राइट। अगले महीने सेम सीट रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस जैन के जगह पे फैब हो जाएगा। तो मुझे हर बार यहाँ फैब लिखना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि मेरा सीट का नेम जो है वो फिक्स नहीं है, वो एक इंटरवल पे चेंज हो जाता है, तो मुझे हर बार कोड को चेंज करना पड़ेगा अगर हम सीट के कैप्शन नेम इस मेथड को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे सीट का नेम चेंज हो रहा है, पर कैप्शन नेम तो चेंज नहीं, प्रॉपर्टी नेम तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक प्रोग्रामर ही चेंज करेगा ना सर। तो उस केस में हम सीट का जो प्रॉपर्टी नेम है उसके बिहाफ से सारी कोडिंग करेंगे, सीट एक्टिवेट करना, हाइड अनहाइड करना, कॉपी करना, मूव करना, जो भी हम करना है हमें, ठीक है। लेकिन आपका नेम फिक्स है, जैसे डेटा फिक्स है डेटा, बट क्या होता है कि हर बार हम सीट को डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक किया और डिलीट, और डिलीट करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिर वापस इसका नाम डेटा कर, तो सीट का नाम तो चेंज नहीं हुआ है बट सीट चेंज हो रहा है। जैसे सीट चेंज होगा तो देखिए डेटा का प्रॉपर्टी नेम आ गया सीट फोर, अगर मैं सीट वन लेके चलूंगा तो आपको एरर आ जाएगा, तो हर बार मुझे सीट वन सीट टू करना पड़ेगा, बट मेरा नाम फिक्स है तो उस केस में हम कैप्शन नेम को लेके चलेंगे, ठीक है। समझ में आया कैप्शन नेम कब लेते हैं, प्रॉपर्टी नेम कब लेते हैं? हाँ सर। अब अगला जो इसमें आता है वो ये आता है कि हम ए कब लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसी फाइल है उसमें कितने शीट्स हैं, शीट्स के नाम क्या है, उसका कैप्शन प्रॉपर्टी नाम क्या है, आपको नहीं आइडिया नहीं है, पता नहीं है, पता चल भी नहीं सकता। मान लीजिए एक फोल्डर में 200 फाइल है, 200 फाइल का डेटा कॉपी पेस्ट करना है, अब मुझे आइडिया ही नहीं है कि 200 फाइल के अंदर में शीट का नाम क्या क्या है, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है। तो वहां पे हम यूज करेंगे इसको, समझ गए? हाँ सर। क्लियर है कोई डाउट इसमें? शीट इसको इसकी इसकी सीक्वेंस नंबर की शीट टू, हाँ शीट टू शीट थ्री जो भी है, हाँ सीक्वेंस में लेके हम चलेंगे, ठीक है, क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े? हाँ सर। अब इसमें अगला ऑप्शन जो हमारा आता है उस पर बात करते हैं। एक्टिव सीट, जब आपको पता है कि सीट हमारा एक्टिवेट है तो आप एक्टिव सीट लेके चल सकते हैं, ठीक है। एक्टिव सीट लेके हम चल सकते हैं। तो ये चार मेथड है जिसको आप कर सकते हैं। अब सीट पे करते हैं, क्या क्या करते हैं, सबसे पहले सीट को ऐड करेंगे, तो सीट्स डॉट ऐड, एक नई सीट ऐड हो गई, जो सीट ऐड हुई है उसी को सेव करना है, तो यहाँ एक्टिव सीट डॉट सेव ऐड, और आपको पाथ कि कहाँ, जैसे 2021 के फोल्डर में मुझे यहाँ पे ये देना, हाँ, और यहाँ पे मुझे 123.xlsx कर, माफ कीजिएगा, एक्टिव शीट तो सेव थोड़ी होती है, सेव तो फाइल होता है ना, एक्टिव शीट का नेम होता है ना, यहाँ वर्कबुक का चीजें घुसा रहे हैं तो दिमाग थोड़ा सा कहीं और चला गया था, सॉरी। तो हमने सीट ऐड किया, उसको नेम किया, हालांकि सीट को नेम करने का कोड क्या है, जैसे हमने वर्कबुक में बताया था कि जैसे मुझे डेटा मान लीजिए सीट वन को या सीट टू को या जो भी सीट नेम है उसको मुझे नेम कर देना है किससे, डेटा से, पर प्रॉब्लम है जो सीट ऐड हुई है ना उसका सीक्वेंस पता है हमें और ना ही मुझे पता है कि उसका प्रॉपर्टी नेम या कैप्शन नेम क्या है, समझे? जी सर। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे डेटा नाम का सीट ही ऐड करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे sheets.add
और डॉट नेम इक्वल टू डेटा, जैसे हमने फाइल में किया था। अब जो सीट ऐड होगी वो ऐड होगी आपकी सबसे लास्ट में, सॉरी माफ कीजिएगा, जो सीट एक्टिवेट है उसके बाद। आप चाहते हैं मेरा सीट सबसे लास्ट में ऐड हो या फिर जहाँ मैं चाहूँ वहाँ ऐड हो। जैसे स्पेस मारेंगे तो यहाँ दो चीज़ें हैं, बिफोर आफ्टर। तो मान लीजिए मुझे सीट थ्री से पहले ऐड करना है तो यहाँ पे सीट थ्री लिखना है, लेकिन इस मेथड में ऊपर जो मैं बताया ना, इस मेथड में लिखना है, ऐसा नहीं सीट थ्री सिर्फ लिख दो, समझे, सीट थ्री इस तरह से, समझे। हाँ सर। अब मुझे आफ्टर करना है तो आप कॉमा करेंगे तो बिफोर पे ब्लैंक कर दिया आपने, तो आफ्टर में आ गया, आफ्टर आपका हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पे आफ्टर, तो आफ्टर सीट थ्री, या फिर मैं चाहता हूँ सबसे लास्ट में ऐड हो तो हमने सीट का काउंट दे दिया थ्री, बट हमें तो नहीं पता है कि सीट कितने हैं। तो यहाँ पे आप एक फंक्शन लगा सकते हैं सीट्स डॉट काउंट, एक काउंट करके बताएगा कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं और फिर उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है सर। राइट राइट, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, समझ गए समझ गए। तो सीट को ऐड करना आपने सीखा। इसमें एक चीज और भी है, काउंट। जैसे मुझे मान लीजिए एक बार में पांच सीट ऐड करना है तो आप पांच कर दीजिए, ये फाइव सीट ऐड कर देगा, एक साथ पांच कर देगा जी, एक साथ पांच कर देगा। ओके ठीक है। और पांचों का सर डिफरेंट डिफरेंट नाम हो तो एक-एक करके तो नाम तो देना, एक-एक करके नाम फिर देना पड़ेगा उसके, फिर हमें आगे का जो स्टेप वगैरह है वो यूज करने पड़ेंगे। ओके ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, मुझे सीट को मूव करना है, उठा के यहां से यहां मूव करना है या नई फाइल में मूव करना है, तो क्या करें इसके लिए। तो यहां पे लिखेंगे शीट्स, जो शीट का नाम, अब इसमें से देखिए चारों में से कोई एक ले सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा। ठीक है, मैं वो प्रॉपर्टी नेम लेके चल रहा हूं, सीट वन या सीट टू, सीट टू डॉट हमने यहां पे मूव लिख दिया, तो क्या होगा, इसको मूव कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और यहाँ पे आपने बोल दिया कि एफ ड्राइव में हमारा ठीक है जी सर। तो इसको सेव होगा तो क्या होगा कि सीट टू को एक नई फाइल में मूव करेगा और फिर उसको हम यहां से सेव कर देते, लेकिन मुझे इसी फाइल में मूव करना है तो सी टू डॉट मूव, और यहां पे किसके आगे किसके पीछे करना है तो हमने बोला कि सीट्स डेटा, डेटा से पहले, समझे, डेटा से पहले। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक और फाइल खुली है बुक टू और मैं चाहता हूं बुक टू में करें, अब क्या करेंगे, आप कॉमा लगा के आफ्टर नहीं मतलब बुक टू से पहले करें, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वर बुक्स और यहाँ पे बुक टू डॉट एक्सलेस एक्स एक्सलेस एन, जो भी आपका फाइल में एक्सटेंशन ऐसे लिखना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, हम आपको डॉट। ठीक है,
देखिए अगर सिर्फ सीट का नाम देते हैं तो आपको क्या होगा, जो आपका एक्टिव वर्कबुक है उसमें जाएगा। अगर आप इसकी किसी पर्टिकुलर फाइल में करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर फाइल का पाथ आपको शीट से पहले देना है, जी क्लियर सर है। जी जैसे मान लीजिए आपने सीट वन डॉट सिलेक्ट किया तो जो एक्टिव फाइल है उसके सीट वन डॉट में जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं बुक टू के सीट वन में जाए तो इससे पहले आपको बुक वन का देना पड़ेगा, बुक वन डॉट एक्टिवेट, ठीक है, क्लियर है जी सर। तो हमने मूव कर लिया और जिसे मूव है ऐसे सेम कॉपी है, एक कॉपी कर देगा, जहां मूव है उसी को आप कॉपी कर दीजिए, वो कॉपी कर देगा। ओके अब बात करते हैं हाइड। अगर मान लीजिए सीट टू को हाइड करना है तो सीट टू डॉट हमने विजुअल विजुअल इक्वल एक्सेल सीट हिडन कर दिया, तो नॉर्मल हिडन करेगा जिसको आप यहां से इजिली हाइड अनहाइड जो होता है ना, आप यहां से इजिली अनहाइड कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसी में अगर किसी ने लिया लिखा कि सीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट वेरी हिडन, क्या किया हमने, एक्सेल सीट वेरी हिडन, तो क्या होगा, अब इसको अनहाइड करने के लिए प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके आप यहां से अनहाइड करें, दिख रहा है आपको, या फिर कोड आप लिखेंगे कि सीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू विजुअल, ओके ठीक है। तो वो सर उसमें एक्सेल फाइल में आके अगर वेरी हिडन किया हमने तो राइट क्लिक करके वो नहीं आएगा अनहाइड करने, नहीं आएगा जब तक वीवीए कोड एक्सेस नहीं होगा तब तक अनहाइड नहीं कर सकते। ओके 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 अब बात करते हैं सीट को डिलीट करने की, माने सीट 1 को मुझे डिलीट करना है, सीट 2 को सॉरी डिलीट करना है, तो यहां पे जस्ट डिलीट लिख दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम है ऐसा करने पे क्या होगा कि आपको एक पॉपअप आ जाएगा, जब तक उस पर आप क्लिक ना करेंगे तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, अलर्ट। अच्छा अब इसको बाईपास करने के लिए क्या करना है, मैसेज बॉक्स ऐसा कुछ नहीं, या इसके इससे पहले मुझे एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करना होगा। हमने बोला कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ओके तो वो अलर्ट को फॉल्स कर देगा, आप इसको कर सकते हैं आगे, ओके राइट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो सीट को डिलीट करना, अब सीट को प्रोटेक्ट करना है, सीट डॉट सीट टू डॉट प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट में यहाँ हमने पासवर्ड डाल दिया। अब इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें, वो क्या है, जब सीट किसी भी सीट को जब प्रोटेक्ट करते हैं तो बहुत सारे चेकबॉक्स है ना, ये चेकबॉक्स है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे शॉर्टिंग अलाउ करनी है तो मैं इस तरह से कोमा 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 करके जाऊंगा और अलाउ सेटिंग रो अलाउ शॉर्टिंग, मैं यहाँ पे ट्रू करूँ, या दूसरा तरीका भी है जो कि मैं आगे क्लास में समझाऊंगा, ठीक है सर, ठीक है। और सीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट, सीट टू बना सीट टू डॉट अनप्रोटेक्ट, सीट की बैकग्राउंड कलर जैसे हम लोग करते हैं टैब कलर जो बोलते हैं हमने चेंज कर दिया, नीचे नाम आ जाता है, ये टैब कलर करने का कोड क्या होता है, सीट डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मैजेंटा, और भी बहुत सारे कलर्स हैं जो कि हम आपको फॉर्मेटिंग क्लास में समझाएंगे, ठीक है, ठीक है सर। अभी आप क्या करें, इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखें, मेरे एक एक कोड को आप एक एक मैक्रो में देखिए, अभी क्या है कि सारा रन नहीं हो सकता क्योंकि हमने रिलेशन रिलेट नहीं किया है, तो एक एक मैक्रो में एक एक कोड को रन करें, उसका इफेक्ट देखें, उसको समझें। अगर कोई कोड समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर दें या फिर कल की क्लास में पूछ लें, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय।